हेलो दोस्तों, फाइनली यामा ने अपनी R15 वर्जन 4 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस बाइक को चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। मेटालिक रेड जिसकी प्राइस रखी गई है 1,66,800, डार्क नाइट की प्राइस है 1,68,800, रेसिंग ब्लू की प्राइस है 1,72,800 और मेटालिक ग्रे जिसका नाम यहाँ पे R15 MB दिया गया है उसकी प्राइस है 1,77,800। ये चार कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक के अंदर आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा नए नए अट्रैक्टिव फीचर देखने को मिल जाते हैं और पहले से काफ़ी बेटर लुक्स भी दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से इसको सेगमेंट में नंबर वन बना देता है फीचर्स के अंदर और लुक्स के अंदर। अब इस बाइक में आपको क्या क्या ऐसे नए नए फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो वही चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेगी आपको। आपको क्या क्या नए फीचर्स R15 वर्जन 4 में दिए गए हैं, लुक्स में कितना बदलाव किया गया, पहले से बाइक कितनी बेटर हो गई है और आपको पहले से क्या नए नए बदलाव देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में इस बाइक की सभी डिटेल की बात मैं करने वाला हूं, एक एक डिटेल की बात इस वीडियो में हो जाएगी। तो यहां से अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं। बाइक के फ्रंट में आपको ऑल न्यू LED प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाती है। सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पे दिया गया और डुअल LED TRL यहाँ पे दी गई, जो कि देखने में बहुत ही आई कैचिंग लग रही है। साथ ही आपको हेलोजन इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया और यामा की तरफ से बोला गया है, यामा ने ये चीज का दावा किया है कि पहले से ज्यादा एरोडायनेमिक फेयरिंग यहाँ पे ऐड की गई है। इसके अलावा न्यू विंडशील्ड देखने को मिल जाती है और फ्रंट में आपको न्यू गोल्डन USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी लुक्स को और ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे बना देते हैं। कहीं ना कहीं बाइक फ्रंट से देखने में पहले से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और पहले से काफी नई भी लग रही है और अमेजिंग बोलते हैं ना कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है पहले से। इतनी प्रीमियम वाली फील पहले इस बाइक में नहीं हुआ करती थी। इसके साथ ही रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेम LED टेलेट देखने को मिल जाती है और हेलोजन इंडिकेटर सेम देखने को मिल जाती है और सेम टेल सेक्शन है। और साइड लुक की बात की जाए तो साइड में भी आपको न्यू फेयरिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये फेयरिंग भी यामा ने क्लेम किया है कि पहले से ज़्यादा बेटर एरोडायनेमिक है। इसके अलावा न्यू एल्यूमिनियम रियर फुटरेस्ट फ्रेम यहाँ पे दिया गया, न्यू एग्जॉस्ट मफलर और न्यू एग्जॉस्ट का डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाता है। बेटर बिल्ड क्वालिटी और बेटर फिट एंड फिनिश भी यहाँ पे बाइक को दी गई है। अगर आप फेयरिंग को ध्यान से देखते हो तो पहले से कहीं ना कहीं कई गुना बेटर फेयरिंग की क्वालिटी यहाँ पे देखने से लगती है और लुक्स भी काफ़ी ओसम और प्रीमियम निकल के आ रहा है साइड में से भी। तो बाइक ओवरऑल दिखने में चारों तरफ से ज़्यादा प्रीमियम लगती है, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर के अंदर, जिसमें कि काफ़ी सारे नए नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। मीटर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। इस बाइक का मीटर अब यामा की सुपर बाइक R1 से इंस्पायर्ड है। उस बाइक में जो पहले मीटर हुआ करता था उसी से इंस्पायर्ड इस बाइक का मीटर बनाया गया है। यहाँ पे फीचर्स की बात की जाए तो फर्स्ट फीचर है यामा मोटरसाइकिल ब्लूटूथ कनेक्ट, जिसको यामा वाई कनेक्ट के नाम से बोल रहा है। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कनेक्शन स्टेटस आप देख सकते हो, मोबाइल बैटरी स्टेटस देख सकते हो, SMS अलर्ट देख सकते हो, कॉलिंग अलर्ट आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऐप के अंदर भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जो आपके फ़ोन में ऐप रहेगी जिससे आपकी बाइक कनेक्ट रहेगी, उस ऐप के अंदर आप फ्यूल कंजप्शन चेक देख सकते हो, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन देख सकते हो, माइलेज रैंकिंग, लास्ट पार्किंग लोकेशन, माल फंक्शन और रेव्स डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसका इंडिकेटर मीटर में दिया गया है। दो राइडिंग मोड बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। स्ट्रीट मोड के अंदर बाइक आपको एवरेज माइलेज, एवरेज स्पीड और कूलेंट टेम्परेचर और बैटरी की पावर शो करती है। इसके अलावा ट्रैक मोड में बाइक आपको लेटेस्ट लैप टाइम और फास्टेस्ट लैप टाइम, ये दो ही चीज़ें शो करती है जो कि ट्रैक पे चलाते टाइम आपके काम आती है। इसके अलावा मीटर के अंदर आपको टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM लिमिटर इंडिकेटर, RPM मीटर, ट्रिप ABF, लैप टाइम, फ्यूल गेज, हीटिंग इंडिकेटर, इसके अलावा काफ़ी सारे बेसिक्स फीचर आपको प्रोवाइड करवाई देती है, जो कि सभी बाइकों में होती है। उनकी ज़्यादा डिटेल से बात करने से कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है। अब बाइक के इंपॉर्टेंट फीचर्स और स्पेक्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। बाइक के अंदर आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच यहाँ पे दिया गया है, साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गियर में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। USB चार्जर यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है, लेकिन इसको ऑप्शनल रखा गया है, अगर आप चाहते हो तो आपकी बाइक में लग जाएगा वरना ये साथ नहीं आएगा। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, सीट हाइट 815 mm देखने को मिल जाती है, ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm देखने को मिल जाता है, वेट 142 kg देखने को मिल जाता है, फ्यूल टैंक 11 लीटर का देखने को मिल जाता है और टायर और ब्रेकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रंट टायर आपको 180/17 का देखने को मिल जाता है, रियर टायर आपको 140/70/17 का टायर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों टायर ट्यूबलेस है और रियर टायर आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाता है। डिस्क साइज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है, रियर में आपको 220 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है और ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है। अब इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो यामा ने इस बाइक के इंजन में कुछ नए अपडेट किए हैं। इस बाइक के अंदर आपको 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 4-वाल्व के साथ SOHC VVA टेक्नोलॉजी के साथ इंजन देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे नाम ऐड हो चुके हैं इंजन के साथ, लिक्विड कूल, 4-स्ट्रोक, 4-वाल्व, SOHC VVA, फ्यूल इंजेक्शन,
तो काफ़ी सारे नाम ऐड हो गए हैं। यहाँ पे 6 स्पीड गेयरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लिच देखने को मिल जाती है, और किक शिफ्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम किसी कंपनी ने दिया है। यहाँ पे आपको R15M और रेसिंग ब्लू कलर, इन दोनों ही बाइकों में किक शिफ्टर देखने को मिलेगा। डार्क नाइट और मेटेलिक रेड कलर में किक शिफ्टर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इस बाइक के साथ कुछ नई एसेसरी भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि ब्रेक लीवर और लीवर गार्ड, सेकंड टैंक पैड, थर्ड LED फ्लैशर या फिर LED इंडिकेटर जो भी आप बोलते हो, स्किड प्लेट, फ्रेम स्लाइडर और सीट कवर। यहाँ पे एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, वो है LED फ्लैशर। इसको बाइक के अंदर लगा के देना चाहिए यामा को, जो कि अलग से एसेसरी के नाम पे थोड़े से कॉस्ट अलग बढ़ा देती है। तो अब इस वीडियो में मैंने आपसे इस बाइक की सभी डिटेल शेयर की है। अगर आपको बाइक पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, बस थोड़ी सी पावर बढ़ाने की उम्मीद थी यामा से, जो कि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है बाइक। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने बाइक को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट देखने को मिल जाती है, और अपने बाइक से कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।